अभी शूज प्लीज अपनी जगह पर रखो. अरे यार रख दूंगा यार, सांस तो लेने दो. जिम में ट्रेनर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो और घर आते ही तुम्हारे शुरू हो जाते हैं. यू नो आई हैव ओसीडी, आई लाइक थिंग्स इन देयर प्लेस. एंड यू नो आई हैव ओसीडीसी. व्हाट इज ओसीडीसी? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिलेइंग कंडीशन. व्हाट इज दैट? हर काम टाइम लगाकर अपनी सहूलियत. क्यों बेबी? नहीं भैया, हर चीज टाइम टू टाइम होने चाहिए. हमें जिज्जी ने सिखाया है वो का के जिज्जी पंक्चुअल. तू नहीं बेबी, चू. ये जिज्जी तुम्हें गाली काहे दे रही? अरे गाली नहीं दे रही हूँ मैं तुम्हें. पंक्चुअल नहीं, पंक्चुअल. पंक के आगे चू लगाना. अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए बेबी, तुम तो मैं रोज लगाती हो चू ना. बेबी मेरी स्मूदी बनाई? नहीं. क्यों जिज्जी? तुम जिम से कितने बजे आओ? तो 9:30 बजे. अबे कितने बज रहे? 9:15. तो आई एम पंक्चुअल, यू नॉट. अरे बेबी जिम खाली था, मुश्किल से 8-10 लोग थे, वो भी हम दोनों को मिलाकर, इसलिए जल्दी आ गए. जल्दी से बना दो. हाँ. वैसे 10 दिन में ही सबका जोश ठंडा हो गया ना. फर्स्ट डे तो ऐसा लग रहा था जैसे कॉम्प्लेक्स के सारे लोग जिम में आ गए हैं यार. एक ट्रेडमिल पे 3-3 लोग भाग रहे थे और आज देखो 3 ट्रेडमिल पे अकेला मैं. अच्छा है ना यार, खाली जिम इज ऑलवेज पीसफुल. एक्सेप्ट वो प्रियंका चुगवानी आना बंद कर दे बस. हर प्लेलिस्ट इज हॉरिबल. 70s के गानों पर कौन वर्कआउट करता है यार? और साथ में वो गाती भी है. क्या हुआ तेरा वादा वो कसम बुरी रे दे. तुम टेंशन क्यों ले रही हो? 2-3 दिन में वो भी आना बंद कर देगी बाकियों की तरह. नहीं नहीं नहीं, वो तो बोल रही थी कि प्राण जाए पर रेजोल्यूशन न जाए. अरे रेजोल्यूशन चीज ही ऐसी है, कुछ दिनों में यही हो जाता है. क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा. अरे वो अपने वर्मा अंकल है ना, वो भी मिले थे मुझे पहले. बोले थे अभी बेटा इस साल 2024 में मैं डेली वॉक पर जाऊंगा, वेट कंट्रोल करूंगा, फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल मुझे मिले गेट पर. मैंने बोला क्या हुआ अंकल वॉक पर नहीं आया आज? बोलते अरे बेटा जा रहा हूँ ना सब्जी लेने वॉक पर. नहीं यार पर हम भी ऐसे ही थे. ऑफ कोर्स वी आर दी ओजी रेजोल्यूशन ब्रेकर्स. हर साल कितने रेजोल्यूशंस बनाए हमने लेकिन आज तक एक भी फॉलो नहीं किया. इस साल ये कम वो ज्यादा, ये बंद वो शुरू. अरे सब बकवास है यार, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. नहीं 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 नहीं, करने वाले कर लेते हैं लेकिन हम नहीं करते ना, ना हम करने वाले हैं. रेजोल्यूशन इज डिल्यूशन. भैया ये रेजोल्यूशन का होता है? रेजोल्यूशन मतलब संकल्प. संकट में मजबूती से खड़ा रहना, कठिन परिस्थितियों में प्रेरणा की दिशा देने वाला प्रकाश, खुद से एक वचन करना कि संघर्ष को अदृढ़ता के साथ पारित करूंगा मैं और अपनी जिंदगी को अटल विजय की दिशा में अग्रसर करूंगा. क्या कह रहे भैया? मतलब ये कि साल की शुरुआत में खुद से वादा करना और साल की शुरुआत में ही तोड़ देना. ए भैया हमने कौनो वादा नहीं तोड़ो, हमने तुमसे वादा करी थी कि हम यूट्यूब नहीं देखें, अब से हम इंस्टा देखते हैं. इसे वादा निभाना नहीं कहते हैं, खुद को बनाना कहते हैं. का बनाना? बेवकूफ बनाना. इसीलिए तो आधे से ज्यादा रेजोल्यूशन टिकते नहीं है. क्या बेबी फिर से बनाना? फिर से का बनाना? अब हम तो बना के लाए. फ्रिज में चीकू पड़ा है, स्ट्रॉबेरीज पड़ी है, लेकिन फिर भी ले देकर बनाना. क्योंकि बनाना इसकी हॉबी है मेरा. क्यों बेबी? अभी यू वर राइट. यस ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज राइट. टेल मी समथिंग न्यू. पता है तुम कह रहे थे ना कि रेजोल्यूशंस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम खुद को बना लेते हैं, बहाने मारते हैं कि आज जिम नहीं जाएंगे, इस वक्त तो बहुत भीड़ होगी, शाम को चले जाएंगे, या फिर कल चले जाएंगे, या फिर नहीं भी गए तो क्या हो गया, अभी तो पूरा साल पड़ा है. पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? हम लोग तो रोज जिम जाते हैं. क्योंकि मुझे रेजोल्यूशंस फॉलो करने का फूल प्रूफ तरीका मिल गया है. लेकिन हमें रेजोल्यूशंस फॉलो क्यों करने हैं? तुम भूल गई क्या? वी आर दी ओजी रेजोल्यूशन ब्रेकर्स, बीन देयर डन दैट. हमारा लाइफ में एक ही रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशंस को अनफॉलो करना. नहीं इस बार फॉलो करेंगे और फेल नहीं होंगे. कैसे? ओके लेट मी एक्सप्लेन. रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट विद योरसेल्फ, राइट? तो हम इसी कॉन्ट्रैक्ट को थर्ड पार्टी के साथ कर लेते तो
लेकिन हम तो दो लोग हैं यार, थर्ड पार्टी कहाँ से आएगी? नो नो, व्हाट आई मेंट इज हम रेजोल्यूशन को रीमॉडल करके रिवर्स रेजोल्यूशन बना लेंगे. आई लाइक दिस आइडिया. रिवर्स रेजोल्यूशन मतलब जो रेजोल्यूशन है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट करो, और इतना करो कि उससे बोर हो जाओ और अल्टीमेटली उसको छोड़ दो, अति से विरक्ति तक, जस्ट लाइक ओशो. नो नो नो, मेरा मतलब है कि हम एक दूसरे को रेजोल्यूशंस चैलेंज करेंगे एंड द अदर पर्सन हैज टू एक्सेप्ट द चैलेंज. क्या? या क्योंकि चैलेंजेस ऑलवेज वर्क, क्योंकि चैलेंज में कंपटीशन होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एटीट्यूड होता है, जीतने का जुनून, हारने का डर, इट हैज एवरीथिंग. तुम ही तो हमेशा कहते हो ना कि यू लव चैलेंजेस. या ऑफ कोर्स मैं कहता हूं, लेकिन वो तो मैं सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कहता हूं यार. एग्जैक्टली, तो चैलेंज में मोटिवेशन भी है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा है इस चैलेंज वैलेंज में. ये बेतुके ख्याल अपने दिलो दिमाग में मत लाओ मीरा, जस्ट फॉरगेट इट. अभी तुम चैलेंज को हल्के में मत लो. जस्ट इमेजिन, अगर हमने खुद को चैलेंज नहीं किया होता तो हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ होता? ह्यूमंस पहले हंटर गैदरर्स थे, खाने के लिए शिकार करते थे या फिर बटोरते थे. फिर हमने खुद को चैलेंज किया तो हमने अपना खाना उगाना शुरू कर दिया. फिर हमने खुद को चैलेंज किया तो कपड़ों के लिए एनिमल स्किन्स और पत्तों का यूज़ करना शुरू कर दिया. फिर चैलेंज किया तो गुफा से हम झोपड़ियों में रहने लगे, और चैलेंज करते करते आज हम यहाँ रहते हैं. जस्ट इमेजिन, अगर हमारे पूर्वजों ने खुद को चैलेंज नहीं किया होता तो हमारा क्या होता? क्या होता? पत्तों में कितनी हॉट लगती तो. चिंगा लाला उ, चिंगा लाला उ. ओके ओके, सी ऑल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज रोटी कपड़ा मकान हर चीज में चैलेंज है. नेपोलियन ने भी तो चैलेंज लिया था ना, टू कॉन्कर द वर्ल्ड. वो चैलेंज नहीं था यार, इट वाज अ रेजोल्यूशन. ही रिजोल्व टू कॉन्कर द वर्ल्ड. और हमें कौन सी दुनिया जीतनी है यार? हमारी अपनी दुनिया जीतनी है और अपनी नजरों में उठना है. नहीं 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 नहीं, मेरा चैलेंज इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड. चैलेंज से ना ईगोज एक्टिवेट हो जाती है, और ईगो से ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं. आई थिंक द वर्ड दैट यू आर लुकिंग फॉर इज कमिटमेंट, क्योंकि कमिटमेंट. यू आर राइट, सो लेट्स कमिट टू दिस चैलेंज. हां यार, तुम्हारी तो सुई अटक गई है चैलेंज वर्ड पर. और वैसे भी मीरा, तुम इतनी फिट हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, यू आर परफेक्ट द वे यू आर. तुम्हें चैलेंज देना ही अपने आप में एक चैलेंज है. I don't think I have the capability to challenge you. Yeah, yeah, yeah. Bahane mat banao. We are doing this and we are in this together. Aur ab ye socho ki tum mujhe kya challenge doge? Main kya sochun? Apne challenge se zyada mujhe tumhare challenge ki tension ho rahi hai. Kyunki main sochun na sochun, tum sochkar mujhe khatarnak challenge dene wali ho. Jaise sunkar main hi soch mein pad jaunga. क्या बकवास पिक्चर थी? कौन सी? लीव द वर्ल्ड बिहाइंड. तो फिर देखी क्यों? क्योंकि जब शुरू की थी तब अच्छी लग रही थी. तो फिर तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि पिक्चर खराब है? एंड में. तो फिर तो पिक्चर अच्छी हुई ना. कैसे? अरे पिक्चर ने तुम्हें एंड तक एंगेज रखा. पर एंड में कुछ नहीं हुआ ना. तो फिर तो तुम्हें कुछ कुछ होता है देखनी चाहिए. उसमें बहुत कुछ होता है. In fact, it's a murder mystery. मैं भी recently एक Instagram पे reel देख रहा था. ए, तुम please गुलाब जामुन खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ. Okay. वैसे कुछ कुछ होता है ऐसे याद आया, तुमने कुछ कुछ सोचा? क्या? मेरे चैलेंज के लिए? मेरा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या चैलेंज दूं. एक काम करते हैं, इस साल का चैलेंज एक दूसरे के लिए चैलेंज सोचना रखते हैं, नेक्स्ट ईयर उसे फॉलो करेंगे पक्का. तुम ना जितने फोकस से ये गुलाब जामुन खा रहे हो ना, उतने ही फोकस से जरा सोचोगे ना तो आई एम श्योर काम हो जाएगा. तुम्हारे OCDC मोड से बाहर निकलो और मेरी चैलेंज के बारे में सोचो, जरा दिमाग चलाओ. एंड आई एम श्योर यू नो तुम्हें मुझ में कोई ना कोई कमी तो मिल जाएगी. आई एम श्योर आई एम नॉट परफेक्ट, आई मीन आई एम, बट लाइक ट्राई. सोचता हूँ. अभी व्हाट इज दिस, ये यहाँ क्यों रख दिया? जाओ जाकर किचन में रख के आओ, चाशनी वाला है चींटी चढ़ जाएगी.
OCD सी. मेरे OCD का क्या यार, ये नेट को क्या हो गया है? अरे तो राउटर को रीस्टार्ट कर लो. नहीं, कोई फायदा नहीं है उससे. मेरा किस्मत कनेक्शन ना हमारे वाईफाई कनेक्शन से भी स्लो है. जब भी मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम फंसा होता है ना, तभी नेट काम नहीं करता. चिच्ची, हम सोच रहे हैं आज खाने में सरसों का साग और मक्के की रोटी बना लें. नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ ठंड में खाने में मज़ा आता है, और मुंबई में तो ठंड हो ही नहीं रही है. लास्ट ईयर इस टाइम कितना अच्छा मौसम था. ए चिच्ची, रात में होते ठंड. कल रात तो हम 3 बजे उठ गए मारे ठंड के. तो मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हम रात को 3 बजे उठकर सरसों का साग और मक्की की रोटी खाएं? नहीं भैया, तुम ऐसे चला के खा लियो. वाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है बेबी. एक काम करते हैं, हॉल में एक और एसी लगवा लेते हैं, फिर सारे एसी चलाएंगे, चिल्ड एटमॉस्फेयर करेंगे, अंगीठी चलाएंगे, यहाँ पर सिकी हुई मूंगफली खाएंगे, गप्पे मारेंगे, फुगड़ी खेलेंगे. ये बहुत मजा आए. क्या बहुत मजा आए भैया? अभी तो मजाक में भी दूसरे एसी की बात मत करो. मैं तो कहती हूँ कि जो लगे हुए हैं ना, उन एसीज का यूज भी हमें कम कर देना चाहिए. यार इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. मेरा पानी का इंटेक कम हो गया है, क्रैम्प्स होने लगे हैं, डिहाइड्रेशन हो गया है, एंड माय साइनस हर्ट्स. ओके मीरा, आई हैव अ चैलेंज फॉर यू. ओह रियली, व्हाट इज इट? तुम्हें अपनी शिकायतों को ना शश करना है. हाँ मतलब? ये जो तुम बात बात पर कंप्लेन करती हो ना, इसे प्लीज बंद कर दो. कंप्लेन्स? और मैं, आई डोंट कंप्लेन. इनफैक्ट आई एम द ऑपोजिट ऑफ कंप्लेन. आई अनकंप्लेन. अच्छा, और अगर मैंने प्रूव कर दिया तो? करो. करता हूं. जरा गौर फरमाइए. यू आर द मैन ऑफ द हाउस, तो तुम ही डिसाइड करोगे ना. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की तो कोई अहमियत है ही नहीं. अभी व्हाट इज दिस? जूतों को अपनी जगह पर रखो. क्या बकवास पिक्चर थी. मेरा किस्मत कनेक्शन ना हमारे वाईफाई कनेक्शन से भी स्लो है. हाँ, अब मानती हो? भैया हम मानते हैं. का दिखाओ है तुमने, आगे खुल गई. किसकी? तुम्हारी? हमारी नहीं भैया, जिज्जी की. सुमीरा, दिस इज द चैलेंज फॉर यू. आज से तुम कंप्लेन करना बंद कर दो, फिर देखना हमारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में कितना सुकून आ जाता है. ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड. वाओ बेबी, जिज्जी के चैलेंज एक्सेप्ट करने की खुशी में आज खीर बनाई जाए. नहीं, नो खीर. तो फिर कुछ और? वॉफल्स? बाहर से भी कुछ नहीं आएगा. तुम्हारा शुगर इंटेक ना बहुत बढ़ गया है. यू नीड टू कट डाउन ऑन इट. अरे पर क्यों भाई, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, मैं रोज वर्कआउट करता हूँ, किसी को मेरा मीठा खाने से क्या प्रॉब्लम है? तुम आजकल ना रोज मीठा खाने लगे हो. कल रात को तुमने गुलाब जामुन खाया था, और अभी तुम्हें खीर चाहिए. अभी तुम्हारे दोनों पेरेंट्स डायबिटिक है, और लास्ट मंथ हमने जो टेस्ट करवाया था ना, उसमें तुम्हारा फास्टिंग शुगर बॉर्डर लाइन आया था. यू नीड टू स्टॉप शुगर. अरे वो जीना भी क्या जीना है लल्लू, जिसमें मिठास ना हो. Take it as a challenge. In fact, this can be your challenge. नहीं, नहीं मीरा, नहीं मीरा, please, हाँ, नहीं, हाँ, ये हाँ, नहीं. हाँ अभी, you have to do this. आज से तुम्हारा मीठा बंद. No sugar, no honey, no jaggery, कुछ नहीं. मीरा, this is not fair. यार तुम्हें पता है कि मुझे मीठा कितना पसंद है. यार अगर मैं मीठा ना खाऊं तो मुझे depression होने लग जाता है, anxiety होने लग जाती है. अभी से मुझे ना palpitations हो रहे हैं. I'm telling you seriously. तुम्हें मीठा खा सकता हूँ? सिर्फ हफ्ते में एक दिन, ऑन संडे, वो भी मॉडरेट क्वांटिटी में. ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक तुम मीठा खा रहे हो. मीरा प्लीज, दिस इज, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर हेल्थ. ओके फाइन, चैलेंज एक्सेप्टेड. बाय द वे, मैंने तुम्हें कंसेशन दिया है, तो मुझे भी अपने चैलेंज में कंसेशन दो. ठीक है, तुम भी संडे के संडे कंप्लेन कर सकती हो, बट दैट टू इन मॉडरेट क्वांटिटी. ओके, तो मतलब हफ्ते के 6 दिन तुम स्वीट नहीं खाओगे, और हफ्ते के 6 दिन मैं स्वीट बनी रहूंगी. आई लाइक इट. अरे वाह भैया जिज्जी, तुम लोगों ने तो जा घर को बिग बॉस को घर बना दो, हमें भी कछु टास्क दे दो. झूठ नहीं बोलोगी? काम चोरी नहीं करोगी? झूठू बंद.
दिन की 6 चाय बंद. उल्टा जवाब नहीं दोगी? पगार बढ़ाने के लिए नहीं बोलोगी? बोलो भैया जी, इतने ना इंसाफ भी नहीं करो. अगर हम ये सब नहीं करें तो हमारे माथे पे झुर्रियां आ जाएं. अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है मेरे पास. आज से तुम हर रोज किसी भी एक मील में एक फ्रेश इनोवेटिव टेस्टी डिश बनाओगी जो तुमने आज से पहले कभी नहीं बनाई. हो भैया, मंजूर है. अब आएगा मजा. देखे जरा किस में कितना है दम. जम के रखियो कदम हमारे साथिया. हमारे नहीं, मेरे साथिया. देखे जरा